आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बागपत के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान योगेंद्र कुमार का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा। योगेंद्र जम्मू कश्मीर में तैनात थे, जहां अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। बात इतनी बड़ी कि साथी जवान ने योगेंद्र को गोली मार दी। इलाज के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया। वहीं योगेंद्र कुमार का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा तो नम आंखों से विदाई दी गई। सिद्धार्थनगर जिले की बांसी तहसील का हट्टा खासा गांव राप्ती नदी के किनारे बसा है। हर साल यहां किसानों की फसल बाढ़ निकल जाती है। ऐसे में सरकार की तरफ से दी जाने वाली मदद में लेखपाल द्वारा धांधली का मामला सामने आया है। सच्चाई उस वक्त सामने आई जब किसान बैंक से पैसा निकालने पहुंचा, जहां पता चला कि भूमिहीनों के खाते में बाढ़ राहत का पैसा बांट दिया गया है, जबकि ये पैसा उन किसानों को देने के लिए आता है जिनके पास भूमि हो और उनकी फसल बाढ़ में तबाह हुई हो। अब किसानों ने एसडीएम बांसी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला ये है, भीड़ लगल है कि जो बाढ़ राहत का पैसा आया वो मिला नहीं, जो जेकरे नाथ खेत ना वो पाए गए, जेकरे ना हमन के नाथ खेत में हमरे नाई पोले बटिया को पैसा। तो आखिर एक जिम्मेदार के मानते हो? सरकार की कमी है, जो प्रशासन है उसकी कमी ऐसा है। हमारे गांव की समस्या ये है, बीच में ही 8 मार्च को पिछले वर्ष 17 में बाढ़ आई थी, इसमें फसल बर्बाद हो गया था किसानों का, उसका वही फसल भरपूर कृषि निवेश के रूप में आया है, लेकिन हमको लगता है कि लगभग 100 किसानों के खाते में पैसा नहीं आया है। लेखपाल ने सूची बनाते समय गलत तरीके से सूची बना दिया और गलत पैसा आ गया, सही लोगों को नहीं मिला। महावा में तेज रफ्तार कार चालक ने 3 बाइक्स को रौंद दिया। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार चालक शराब के नशे में धुत था। सभी घायलों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। उधर मृतक के परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। पूरा मामला कबरई थाना क्षेत्र का है। कानपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने हाईवे पर जाम लगाकर आने जाने वाले वाहनों पर पथराव शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन उग्र भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाराबंकी में लोकसभा चुनाव 2019 को सफल बनाने के लिए एसपी डॉक्टर सतीश कुमार अपनी टीम के साथ पूरी कवायद में जुटे हैं। इसी कड़ी में चलाए जा रहे अभियान के तहत गैर जनपदीय 5 मोबाइल चोरों को 8 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये शातिर मोबाइल चोर कानपुर के रहने वाले हैं, जो बाराबंकी समेत दूसरे जनपदों में घटनाओं को अंजाम देते थे। जौनपुर में हथियारों की नोक पर महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला ने पड़ोस के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस ने न्याय की गुहार लगाई। घटना के बाद से युवक फरार है। फिलहाल पुलिस महिला की तहरीर के आधार पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। इसमें पीड़िता ने स्वयं मुकदमा लिखाया है और अब सुनने में आया है कि पीड़िता अपना बयान बदल रही है कि उसके साथ जो है बलात्कार हुआ है। तो पुलिस इसमें जो है इस पीड़िता का 164 का बयान कराएगी और जो भी इसमें तथ्य नए निकल के आते हैं सामने, क्योंकि मामला पड़ोस पड़ोस का है, तो पुलिस इसमें गहराई से तफ्तीश कर रही है कि सच्चाई क्या है। और इस बात का भी पता चला है कि पीड़िता जो है यहाँ पे अकेली रहती है, इसका पति मुंबई में रहता है तथा वहाँ पर उसने कोई दूसरी शादी की है। चूँकि पीड़िता का पति यहाँ आ गया है और पुलिस इनका मजिस्ट्रेट के सामने बयान अंकित कराएगी और जो भी साक्ष्य पुलिस के समक्ष आएंगे उसके अनुसार जो है पुलिस उसमें अग्रिम कार्रवाई करेगी। यदि बलात्कार से संबंधित कोई तथ्य सामने आता है तो संबंधित धारा में भी अभियोग तर्मीम किया जाएगा। संभल में एक अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि होली के मौके पर शराब के नशे में होने के चलते दर्जनों सड़क हादसे पेश आए। अधिकारियों के सख्त आदेशों का भी कोई असर दिखाई नहीं दिया। कानपुर में एक महिला को रंग लगाने के विवाद में रंगबाजों ने महिला और उसके पति की पीट पीट कर हत्या कर दी, जबकि 3 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया। महाराजपुर इलाके में इस खौफनाक घटना को अंजाम देने के बाद सभी 6 हमलावर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। महाराजपुर के बैदा खेड़ा गाँव में ऊपर समर निशाद एक साथी टूटू के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जिसमें कि पानी लेकर जा रहा था, उसके मोटरसाइकिल छूटी, उसके टूटू मैंने उसके विवाद बढ़ गया
समय निषाद के पक्ष में कई लोगों ने जाकर के लाठी डंडे से मारपीट कर दी, जिसमें कि विजय किशोर पासवान और उनकी पत्नी रीना होली की हुड़दंग के बीच हमीरपुर जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में दो भाई आपस में भिड़ गए और विवाद के बाद एक भाई ने दूसरे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। देर रात हुई इस वारदात की जानकारी खुद माँ बाप ने थाने जाकर दी, जबकि आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। रुड़की के बेलड़ी गांव के पास ट्रक और बस की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें आनन फानन में 108 एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं बस चालक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अभी रात करीब 12 बजे के आसपास एक फैक्ट्री की जो गाड़ी है रात्रि के शिफ्ट के लोगों को लेके आ रही थी, तो पलट गई और उसकी वजह से कुछ लोगों को गंभीर चोटें हैं। 12 के करीब पेशेंट्स हैं, जिसमें से 3 पेशेंट्स को हम एम्स के लिए रेफर कर चुके हैं, जिनके मल्टीपल इंजरीज थी और फ्रैक्चर्स थे। बाकी लोग स्टेबल हैं अभी फ़िलहाल, तो छोटे छोटे फ्रैक्चर्स हैं उनके, लेकिन ये है कि दे ऑल आर स्टेबल। कोई गंभीर चोट तो किसी को आई? 3 पेशेंट्स को गंभीर है, क्रिटिकल हैं, जिनमें एक का मैंडिबल पूरा का पूरा मुंह टूट गया, पूरा मल्टीपल फ्रैक्चर है उसमें। एक ऐसा है जिनके मल्टीपल पैरों में और कई जगह फ्रैक्चर्स हैं दोनों पैरों में, और एक के टिबिया का फ्रैक्चर है नीचे, एक को हेड इंजरी है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।